मैं पूरी मेहनत करती हूँ, मैं डेली व्लॉग बनाती हूँ, मैं डेली अपलोड पे भी लगाती हूँ। अब ये नेट का मसला है। सो यमिंग, ये हमदा को तो नहीं मिलेगा, ये तो सिर्फ मैं खाऊंगी हमदा। और मुझे आपको भी नहीं मिलेगा। दिखाओ आप। चल नहीं गई, ज्यादा छल नहीं बन गए। अल्लाह ताला ने हुरैन को बड़ा बचाया। और आपका फर्क देखो कितना है। हाँ, बहुत है आपका ज्यादा मेरा। Back to my YouTube channel and to brand new video. कैसे हैं आप? सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे और फिट होंगे। तो वेलकम है जी आपका सर्स क्रेजी वर्ल्ड में, और मैं हूँ जी आपकी होस्ट सर शिफाक। तो एक नए दिन में, एक नए व्लॉग में, कुछ नई बातों, नई चीज़ों के साथ मैं हो गई हूँ हाजिर। और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, एक और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा दिन शुरू हो चुका है। और मैं हो गई हूँ फ्रेश, ज़बरदस्त था। घर के काम शाम भी सारे मैंने निपटा लिए थे, हेल्प से करवा लिए, वो चली गई हैं। अब हैं जी बच्चे भी वेकेशन से, आपको पता है अभी एक मंथ रहता है वेकेशन का, बच्चे घर होते हैं, लेट उठते हैं, फिर लेट खाना छाना खाते हैं। अभी तक इन्होंने नाश्ता नहीं किया। खैर, नाश्ता मैं बना के फ्रेश हो गई हूँ, अब मैंने नाश्ता दूंगी। मैंने कहा साथ में जल्दी से ब्लॉग स्टार्ट कर लें। सो सबसे पहले आपको बच्चों से मिलवाती हूँ, फिर बताती हूँ कि आज नाश्ते में क्या है। टन टन आप बच्चा देखें ज़रा, सारी उठ के बैठो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हो? ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हमदा भी लेटी हुई थी, उरान भी खूब छुट्टियों के मजे लूट रही हैं, ये खूब मजे ले रही हैं। हाँ जी, पहले मुझे मिलवाना था। चलो कोई बात नहीं, आज भैया मिल जाना, वो मेरा बड़ा बेबी है, छोटा बेबी हो, है ना। चले खैर गाइज, आज मैंने जो खाने में बनाए हैं पाए, और पायों के साथ साथ लेकर आया तंदूर से रोटी, और यही हमारा नाश्ता है और लंच भी, यानी कि हमारा ब्रंच है, क्योंकि टाइम जो है वो हो रहा है 1:30 आलमोस्ट, यानी कि 1:30 होने ही लगे हैं, एक दो मिनट रहते हैं। खैर जी, काम शाम करवा लिए थे, ये देखें बेड शीट सेट करवाया है, इनकी बेड शीट साथ चेंज करवाई हैं सारी मैंने, क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में इस तरह के घर के काम जो हैं वो चलते ही रहते हैं। खैर, अब चलते हैं किचन की तरफ, और बस थोड़ा सा टाइम रह गया गर्मी का भी। मैं कह रही थी शुक्र है जुलाई भी एंड होने लगा है, अब आएगा अगस्त, एक वो गर्मी का सख्त है मंथ, उसके बाद आसानी हो जाएगी। खैर जी, किचन किचन भी सब नीट है, सारा घर साफ सुथरा हो गया है, अब हम करेंगे नाश्ता। सो अभी कुकर का वेट बंद किया है, और सुकून से बैठ के ना नाश्ता मैं करती हूँ, सारे काम निपटा के सब कुछ करके। तो चाहे 1:30 बजे, चाहे 2 बजे, आजकल मैंने यही रूटीन अपना लिया कि इस टाइम पे मैंने बच्चों को भी, बच्चे तो वैसे सुबह अगर कुछ खाना हो, नाश्ता करना हो, मैंने दे देती हूँ, लेकिन आज ही कह रहे थे नहीं हमने पाए ही खाने हैं, तो मैं कहा चलो आप लोग पाए ही खा लो। खैर गाइस, सालन वेट वगैरह खोलूँ मैं, सालन ने निकाल कर दूँ, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा शदीद भूख लगी हुई थी। बच्चों आ जाओ। ये प्यारे प्यारे से बाल बच्चों के निकाल लिए, ये मैंने अपना निकाल लिया, इनमें मैं निकालूंगी सालन। और सारिम यहाँ पर आके खड़ा है। हाँ जी, पाए खा दे, बहुत भूख लगी, दिल पे हाथ रखा हुआ। चलो निकालो रोटियाँ भी, रखो निकाल के, अपनी अपनी रोटी रखो, बस वेट मैं खोलती हूँ कुकर और डाल के फटाफट दे देने। हमदा ने आज बन जाना है क्या? हमारे बकरे का क्या नाम था? बंटी। बंटी बनना है आज हमदा ने। बंटी के पाए खा रही है, बंटी के नहीं पाए खाने। फिर किसके खाने हैं? किसी और के होंगे, बंटी के नहीं खाएंगे। बंटी के नहीं खाने, जो हमारे पिछले बकरे थे उनके खाएंगे। पिछले बकरे के थोड़ी पड़े हुए हैं। ये नैनो की प्लेट है, हमदा अपनी लेगी, अब हुरैन की लेने आई है। ये मेरी प्लेट है, मैंने अपनी रेडी कर ली है, और सारी में हमदा भी अपनी प्लेट्स अंदर ले गए, अंदर जाते हैं। बिस्मिल्लाह। कौन चल गया? ओ माय गॉड, इसने भाई के सालन में क्या रखा है? पांव धो जल्दी से। गाइस ये देखें, इतना गर्म सालन था, अभी निकाला था और सारा मैट्रेस में घुस गया। दिखाओ पांव, बच गया सारा, लाल हो गया सारी। मोर पानी लेके आओ गाइस, हमने यहाँ पे बेडशीट चेंज कर दिया है। चलो अब खैर, अब मैं इसमें ना इसको सूप और डाल देती हूँ थोड़ा सा। ये तो हाल है क्या, हमने खाना खाना है बच्चों के साथ, सच्ची सारा मज़ा ख़राब हो गया। इतनी मैं खुश थी कि मैं फ्रेश हो गई हूँ, खाना बन गया, घर नीट हो गया। हाँ, और एक सेकंड में ना ये लोग इस तरह का वो कर देते हैं ना कुछ के, सारा मेरा मूड भी ख़राब हो जाता है, फिर टेम्पो ही सारा टूट गया मेरा।
खैर गाइस अब खाते हैं खाना, और ना ऐसे ही बेसकुनी सी हो गई है, बच्चे भी बस ऐसे, और पाँव जल गया, शुक्र है मैंने फौरन ठंडा पानी डाला पास था और धोए हैं पाँव। ये लो अब आप लोग गिराओ, मुझे पता ही नहीं चला, यही काम है आप लोगों के, और काम क्या है। अब वो बैठी हुई है और गिरा कैसे, मुझे कह रही मेरी बोटी ना डालो, मैंने नहीं खानी, मेरी बोटी ना डालो, ऐसे करती करती पीछे को फिर गिर जाना, बैठ जा जल्दी। अब मुझे गुस्सा आने लगा शदीद, वो भी शदीद गुस्सा आने लगा। इस मैंने खाना खा लिया है और हुरैन जो है खा रही है बेचारी, और पाँव ये पड़ा हुआ है, बच्चे तो हो गई है ना आपकी। अब मैंने इसको दूर ला के दिया है और सारी ममदा भी खा रहे हैं, आराम आराम से बच्चों से खाया जाता है, सो दोनों खा रहे हैं। और आज है ना हमारे नेट को पता नहीं क्या हुआ, नेट ही नहीं आ रहा, ये देखें यहाँ पे बच्चों ने लगाया हुआ था वो क्या था हमदा, हाँ टैलेंट शो लगाया हुआ था, लेकिन देखें नेट ही नहीं आ रहा, और मेरा व्लॉग भी आज अपलोड नहीं हो पाएगा मुझे लग रहा है। ये देखें जब मैं कहती हूँ ना मैंने डेली लगाने, जब मैं रूटीन पकड़ती हूँ तब ही यस 53% हुआ है, हैं आ गया, कभी आ जाता है कभी उठ जाता है। तो खैर अभी मैं लगी थी चाय पीने, ये चाय लेकर आई हूँ मैं, मज़ेदार सी, सो रैन को भी दी है थोड़ी सी चाय डाल के, थोड़ा सा दूध डाल के, ताकि बेचारी को इतनी चोट लग गई है, खैर सो जल्दी से मैं चाय पी लूँ। दुआ करें गाइस हमारा व्लॉग जल्दी से अपलोड हो जाए, उसका मुझे बहुत मसला बनता है जब वो जल्दी अपलोड नहीं होता ना, फिर मुझे बहुत परेशानी होती है। सो खैर अब ना ये लोग खाना खा लें, फिर इन्हें मैं कहती हूँ कि क्वेश्चन सेशन कर लेते हैं हम, जो क्वेश्चन ये पूछते हैं ना डेली, वो वाले क्वेश्चन जो हैं वो आज भी पूछेंगे आपसे, और बस खाना खा लो सारी फिर पूछो, ठीक है। बच्चों को पढ़ा पढ़ा के मैं थक गई हूँ, तो सलमान साहब आए थे अभी, तो फिर उन्हें कॉल आ गई, मैं व्लॉग ऑन करने लगी थी तो फिर वो चले गए काम से, लेकिन अभी हुआ क्या है वो बहुत मज़े की बात है आपको बताने के लिए मैंने कैमरा ऑन किया है, कि अभी सलमान की कॉल आई है कि मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है, तो आप लोग जो है वो आएगा गेट खोल के ले लेना, और हमदा और सारी की खुशियाँ ये, क्योंकि हमदा ने सारे घर के बिस्किट खा चुकी है, सारी ने सारे घर के बिस्किट ख़त्म कर दिए हैं इन्होंने खा खा के, ये इनका नहीं पेट भर रहा था, इन्होंने पाए खाए थे उसके बाद इनको अब क्रेविंग हो रही है बहुत ज़्यादा कि कुछ और खाएँ कुछ और खाएँ, तो तब से बिस्किटों पर लगे हुए हैं। अब बाबा आए थे तो बाबा से कह रहे थे बाबा हमने पिज़्ज़ा खाना है, बाबा हमने पिज़्ज़ा खाना है, सो हमदा के बाबा तो बेस्ट हैं भाई, हमने कहा बाबा हमने पिज़्ज़ा खाना है, और ये सारिम बैठा हुआ है सारिम, और वो देखे कल्प्रिट बैठा हमारे घर में, मुझे सारे उल्टे काम करने के बाद ना सारिम छेड़ना ना उसको बुरी बात तेरी भी फिर बनाऊंगी जब तेरे तेरा मोह में होगा, हैं छेड़ भाग गया उसको, उसको बैठी रहने दो स्कूल से, उल्टे काम करती है ना फिर पनिश मिलती है उसको। तो बाकी जी हमदा को तो हमने देना नहीं पिज़्ज़ा, सारिम को थोड़ा सा फिर आप कैसे खाएंगी, आप कैसे खाएंगी, मैं तो मेरे लिए मेरे मोबाइल पे उन्होंने फोन किया, मेरे कहने पे उन्होंने पिज़्ज़ा भेजा, तो मेरे ऐसे नहीं होता ओके गाइज मैंने ना लिप कलर भी चेंज किया है, चार कलर मिला के ये बनाया, देखिए मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है, ठीक है। मैं ना डिफरेंट कलर्स लगा लगा के देख रही थी, मैंने कहा देखूं जरा कौन सा अच्छा लगता है, ब्लेंड अक्सर ऐसे होता है कि एक कलर हमें वो लुक नहीं दे रहा होता, दो तीन मिक्स करें ना तो फिर एक न्यू कलर जो बनता है वो बड़ी अच्छी लुक देता है, सो आई वाज ट्राइंग दैट टुडे। फिर पनिश मिल जाएगी, हाथ लगा दिया सारा शीशा गंदा कर दिया, सारा शीशा गंदा कर दिया, चलो सारी माँ उसको मत छेड़ो, सारिम को बड़ा फिर उस पर प्यार भी आता है, पहले उसके साथ पंगे भी लेगा और प्यार भी बहुत आएगा है ना, पंगे करने के बाद फिर उससे मुझे मुझे। और गाइस साढ़े चार हो गए, व्लॉग नहीं अपलोड हो रहा थोड़ा सा, सारिम देख रहा कितने परसेंट हुआ है जरा देख के बताओ, चलो जल्दी जल्दी बताओ कितने परसेंट हुआ, 73 था, डेढ़ घंटे में 5%, मुझे लगता है आज रात तक ही होगा, अल्लाह करे हो जाए। गाइस मैं पूरी मेहनत करती हूँ, मैं डेली व्लॉग बनाती हूँ, मैं डेली अपलोड पे भी लगाती हूँ, अब ये नेट का मसला है, नेट जो है ना गवर्नमेंट ने बहुत खराब किया हुआ है, मुझे कह रहे थे कि ना वीपीएन लगा लो, वीपीएन ऑन करो अपने मोबाइल पे और वीपीएन से अपलोड करो, मैंने कहा वीपीएन मैंने किया नहीं है कभी, और ये ना उससे वायरस वगैरह कहते आ जाता है,
तो ट्राई करती हूँ कि शायद इसी तरह से हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि जो नेट है ना वो बहुत ख़राब चल रहा है और बिल्कुल अपलोडिंग जो है, हमने हालांकि बड़ा पैकेज लिया हुआ है वाईफाई का ताकि हमारा ज़्यादा अच्छा चले और ज़्यादा जल्दी मेरा अपलोड हो, लेकिन फिर भी देख लें। गाइस आपकी जी बहन लोग अगर हर काम करती हैं पर ये नेट का ही मसला है, नेट का ही मसला है। हाँ। नहीं नेट सलमान ने मुझे स्पीड तेज भी करवा के दिया है, अच्छा अनलिमिटेड वाला करवा दिया हुआ है वाईफाई का, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या इशू है। थोड़े दिन ठीक चलेगा, हफ्ता 10 दिन, फिर उसके बाद बीच में 4-5 दिन इस तरह से आ जाता है, फिर अच्छा चलता है। अब मैं सोच रही हूँ कि मोबाइल पर जो मैं पैकेज लेती हूँ ना उसमें कोई बड़ा डाटे वाला लूँ, जैसे 100 GB वाला होता है या 50 GB वाला, शायद उससे अपलोडिंग स्पीड ज़्यादा हो जाती हो। आई डोंट नो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर कोई ऐसा हमारा कोई बंदा ऐसा हमारा व्लॉग देख रहा है जिसको आइडिया है तो प्लीज़ काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि मुझे इस मसले को किस तरह से हल करना चाहिए, ठीक है। सो बहुत हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए। खैर बस अब पिज्जा का वेट कर रहे हैं, पिज्जे की क्रेविंग गाइस। तो हमारा आ गया है पिज्जा, बच्चे गए हैं लेने, सो लेकर आ रहे हैं। देखेंगे, मैं अभी जा रही हूँ उनके पीछे पीछे भागम भाग। के जी गाइस हमारे पिज्जाज आ गए हैं और हैं भी गर्मा गर्म, हम इसको ओपन करेंगे और आप मजे मजे से खाएंगे। इस पे टूट पड़ेंगे सारे। ले आओ कोई प्लेट ले आओ और ग्लास ले आओ और ड्रिंक ठंडी थी सारी, वो भी ले आओ। इट्स टाइम टू पार्टी। नानो कैसे देख रही है उल्टी सीधी होके हैं। आपको भी मिलेगा ये तो सिर्फ मैं खाऊंगी हमदा, और मुझे आपको भी नहीं मिलेगा, भाई भाई को भी नहीं मिलेगा। दिस इज फॉर मी, दिस इज फॉर बाबा। बाय जी जी जी। सारे खूब मजे आ रहे हैं छोटी छोटी और ऐसे, और हुरैन फिर फोक के साथ खाए इस तरह से। हुरैन कह रही है अभी लोग फोक लेकर नहीं आए हैं, सो बाइट्स बना देते हैं। गाइज इनका पिज्ज़ा भी बहुत मज़े का, हम पहले मंगवाते हैं इटालियन वालों का, ये इस दफ़ा ना सलमान ने स्टीम वालों का भेजा स्टीम कैफ़े से, तो बहुत ही टेस्टी है, बहुत मज़े का। जो हमारी सिटी से हैं लोग, अगर वो हमारा ब्लॉग देख रहे हैं जिनको हम जानते हैं जो हमें जानते हैं, सो आप लोग यहाँ का भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत टेस्टी है। कौन लोग? जो सारिम के फ्रेंड्स हैं, हमदा के फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं, स्कूल स्टाफ है, वो सब लोग ठीक है, और जो मेरी फ्रेंड्स हैं। बहुत A few moments later. गाइस पिज्जा वगैरह हमने खा लिया था, अब मैं लेटी हुई थी आराम करने के लिए, लेकिन हुरैन ने मुझे रो रो के, देखे रो रो के उठाया है। क्यों रो रही हो बताओ? अब कहती है बाहर गली में आओ, मेरी साइकिल पकड़ो और मेरे साथ साथ चलाओ, तो अब जाना पड़ेगा। चलो मैडम, चलो जी ले, हम बाहर जा रहे हैं। मुझे कह रही है सर पे दुपट्टा ले लो। ओए यहाँ पे पानी गिरा हुआ है, ये पानी किसने गिरा? कह रही है मम्मा सर पे दुपट्टा, इतना पता कि बाहर जाएंगी मम्मा तो सर पे दुपट्टा लेके जाएंगी। सोने नहीं दिया जी। फाइनली गाइस रहन को मैंने बिठा दिया है साइकिल पे। हैप्पी ना? हैप्पी इधर तो देखो, हैप्पी तो करो। हैप्पी हां जी, उधर आइसक्रीम वाला आया रहन, उसको देख के मुझे बता रही है। चलो अब चलाएं। देखें गाइस सारा बच्चा पार्टी जो है ना, हमारे बच्चे भी लग गए हैं। ये आइसक्रीम मिले और ये बाजी भी आ गई है, और इसके ये जो पांव दर्द कर रहे थे। ओहो फ्रेंड पीछे करो, फ्रेंड पीछे नहीं हो रही है। ये ब्लूबेरी हम दा अब भी ले, ये ले लो। कितने की है? 30। अच्छा ठीक है, 3 लेनी है। हां एक और ले, हां एक और, एक हम दा के साथ ब्लूबेरी। इसलिए हम तो उठा के लेके आ रहे थे। रहने अपने पांव तो दिखाओ, पांव दिखाओ जरा। ये देखें पांव है, ब्लूबेरी नहीं लेनी, फिर कौन सी? यही मिलेगी, यही है, आपने यही ले लो। चलो जी हैप्पी। ओए होए काम चेक करो जरा इनके, पता क्या इनको मिलता है। ओए होए होए देखो गंदी चीज देखो, ओए होए होए ये देखो मजे की है, ऑरेंज वाले जैसा टेस्ट है। नहीं ये वो है
लो इसमें रखो, रैन इसमें रखो बॉल में। क्या देख रहे हो कैमरे में? आके देख रहा है कि क्या बन रहा है। ये लो। चलो मैं बेटा खा लो, फिर एक ही दफा वॉश करते हैं। खा लो एक ही दफा। मैंने कहा एक बाइट मैं भी तो लूं जरा, इसमें ऐसा क्या है जो बच्चे इतने उतावले हो रहे हैं। मतलब कि ऐसे बेरी नहीं होती, ये बेरी फ्लेवर है, बबल मेडिसिन वाला टेस्ट है। आइसोली से मतलब कि होती है। अब जी गाइस हम लोग आ गए हैं अंदर, अजान हो रही थी, अब सब लगे हैं नमाज पढ़ने। हम दब करो जाए नमाज बिछाओ, सारे में चला गया मस्जिद में और हम जल्दी से घर में पढ़ लेते हैं। हाँ जी गाइस नमाज मैंने पढ़ ली है और हमदा ने भी पढ़ ली है, हमदा भी दुआ मांग रही थी यहाँ पर। और ये देखें जी हुरैन नमाज पढ़ने लगी थी, लेकिन हुरैन तब शेर हो गया। क्या हुआ ये देखो, पाँव दर्द कर रहे हैं। मैंने कहा धो के आओ, तो धो के देखे आए। मैंने आपसे कहा था सारी पेस्ट उतार के हुरैन पूरा वॉश करके आओ और फिर हम दोबारा ऊपर फ्रेश लगा देते हैं पेस्ट। ठंडे पानी से जाओ वॉश करके आओ, जाओ मेरा बेटा। मैं आती हूँ रैन के लिए। सब ने दुआ करनी है रैन का पाँव ठीक हो जाए जल्दी जल्दी से। रैन बेचारी बच गई है, शुक्र है, जल नहीं गई, ज़्यादा छल नहीं बन गए, अल्लाह ताला ने रैन को बड़ा बचाया है। चल जा मेरा बेटा, मेरा बेटा नमाज पढ़ने लगी थी तो पढ़नी हुई। मेरी गाइस बाबा आ गया है, सारी माँ आ गया है, रैन रो रही है, बुक लेकर आए हैं। हाँ जी हो गया वॉश पाओ मेरे बेटे का, दिखाओ। हाँ हो गया, इधर आके दिखाओ जरा लाइट में, हमें ऊपर देखें वो तो नहीं बने, ब्रिस्टल्स तो नहीं बने, देखें ऊपर बर्न तो नहीं हुआ। हेलो जी, ग्रामर की बुक आ गई है, इंग्लिश ग्रामर। ये देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड नाउन वर्ब स्टडी और सेंटेंस दिखाओ। स्ट्रक्चर नहीं रैन माशाल्लाह ठीक है, लेकिन एक दफा दोबारा से लगा देती ताकि जो है ना वो सही हो जाए। ये इतना अच्छा किया है। चलो स्टाफ लो, मैं आपको एक पेज लगा देती हूं। नहीं मैं खुद लगाऊंगी ड्राई करके, मैं लगाऊंगी ड्राई होने दो ठीक है। सो गाइस बस इनका अभी ये सब कुछ चल रहा है, इनको अब खाना शाना देते हैं, कुछ खाने पीने को देते हैं। Much, much, much later. हाँ जी गाइस, तो अब हम लोग लगे थे रेस्ट करने, ड्रामा शमा हमने देख लिया था। और ड्रामा कौन सा देखा है आज? हमने देखा है जेंटलमैन, सारिम का मोस्ट फेवरेट, बाबा का सबसे ज्यादा फेवरेट। और हमदा की पोजीशन चेक करें जरा, ये देखें जी माशाल्लाह से, ओह माशाल्लाह से सबने मिलके ड्रामा देखा है। और ये मैं अभी भी मेशा लेटा है, इसका पाँव दर्द कर रहा था। खैर गाइस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो, आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। ना चेड़े क्या कह रहे हैं सारिम को, है मेरे बेटे को? नहीं ना ऐसे नहीं कहना, छोटा सा है, बुरी बात, मोटा हो रहा है ये, अब तो पतला हो गया सलमान साहब, पिछले दिनों ज्यादा मोटा था। मेरा और आपका फर्क देखो कितना है। हाँ बहुत है आपका ज्यादा मेरा। बच्चे मन के सच्चे, यू मस्ट बी स्मार्ट, फिट एंड स्मार्ट। नहीं ना स्कूल ही ना जा रहा, बैठा रहता है ना, मेरे बेटे को ऐसे बुली कर रहे हैं। खैर गाइस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो, आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर करना आपने हरगिज नहीं भूलना है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।